नमस्कार दोस्तों, हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज एक नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मीन लगन की। मीन लगन के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहेगा, ये वीडियो आप राशि और लगन दोनों के अनुसार ही देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लगन के अनुसार देखेंगे तो ज़्यादा सही प्रेडिक्शन आपको मिल पाएगी। तो देखिए, जून 2020 के दौरान काफ़ी ग्रह हैं जो वक्री, दो तीन ग्रह यहाँ वक्री भी हैं, साथ ही साथ कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। तो उन सब का असर आपके ऊपर क्या रहेगा, सबसे पहले हम उसी की चर्चा करते हैं। कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ सूर्य की। और सूर्य का जो गोचर है वो आपके 15 जून तक वृषभ में रहेगा, यानी आपके थर्ड हाउस में। इसके बाद ये फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। तो बाकी के जो 15 दिन हैं उनमें मिथुन राशि में सूर्य रहेंगे। बुध की जहां तक बात करें, बुध 2 अगस्त तक मिथुन में रहेंगे, 18 जून से ये करक में वक्री होंगे, तो आपको इसी हाउस के रिजल्ट ये देंगे। इसके बाद शुक्र की जहां तक बात है, शुक्र भी वक्री हैं, 25 जून तक मिथुन में ये वक्री रहेंगे। और मैंने जितने भी ये बुध और शुक्र वक्री हैं या फिर आप गुरु भी यहाँ वक्री हैं, तो इनके सब के वीडियो मैंने बनाए हैं अलग से। वो आप अपने लगन के अनुसार मेरे चैनल में वीडियोस पर क्लिक करें। सबसे पहले आप होम पर जाएंगे, उसके बाद वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करके बहुत नीचे एक दो जो पेज हैं नीचे जाएंगे, तब आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, वो पूरा एकदम से फोकस है उनमें, आपके जो वक्री ग्रह हैं उन पे। अब आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल 18 जून तक कुंभ राशि में रहेंगे, 18 जून के बाद ये मीन राशि में चले जाएंगे, यानी आपके लगन में। इसके अलावा राहु मिथुन में रहेंगे, केतु रहेंगे धनु में, और गुरु जो है वो मकर में वक्री रहेंगे शनि के साथ। शनि भी यहाँ वक्री हैं। तो अब आते हैं सबसे पहले लगन पे। देखिए, लगन के जो लॉर्ड हैं वो हैं गुरु, और गुरु लाभ भाव में आपके वक्री रहेंगे। तो लाभ भाव में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ से गुरु देने वाले हैं। साथ ही साथ वक्री होने से आपको थोड़े रिजल्ट ज़रूर स्लो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे बढ़िया चीज़ आपका जो यहाँ पर लगन भाव है, इसमें मंगल 18 जून के बाद आ जाएंगे लगन में, तो आपके लिए और भी शानदार रहेगा। क्योंकि मंगल और गुरु दोनों मित्र हैं, तो मंगल अपनी मित्र राशि में लगन में आ जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आपको और भी बहुत ही शानदार इसमें ये रिजल्ट यहाँ देने वाले हैं। तो हम यही बात कर रहे थे, लगन लॉर्ड की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर लाभ भाव में गुरु का होना आपको काफ़ी तरह से प्रभावित करेंगे। आपको कैश के रूप में धन मिल सकता है, धन की कोई कमी आपके पास इस समय में नहीं होगी। साथ ही साथ वक्री जो गुरु हैं वो आपको कहीं ना कहीं 10th हाउस के रिजल्ट भी देंगे, तो आपको जॉब के लिए भी ये अच्छा रहेगा। आपका समय ऐसा रहेगा, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ पीछे के जो हमने गलतियाँ की हैं उनमें थोड़ा करेक्शन करेंगे आप, और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो इसी प्रकार से गुरु यहाँ वक्री हैं, ये आपको ऐसे रिजल्ट देंगे और आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाएंगे। इसके अलावा गुरु आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 10th हाउस के लॉर्ड होके ये आपके लाभ भाव में होने से बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर कहीं पहले से जॉब करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस के लॉर्ड जो कि मंगल हैं, और मंगल 18 जून तक कुंभ राशि में आपके 12वें भाव में रहेंगे। इस समय आपको इतने अच्छे रिजल्ट मंगल नहीं देंगे। उसके बाद जब ये लगन में आ जाएंगे, 18 जून के बाद जब लगन में आ जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, एनर्जेटिक बना देंगे, आपको एक बहुत ही फुर्ती सी आपके शरीर में आ जाएगी। और मंगल का यहाँ से संबंध बनेगा आपके फोर्थ हाउस से, तो आप कोई नया अगर भूमि खरीदने का मन बनाते हैं तो बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी राहु और सूर्य की जो युति है वो थोड़ा आपको ठीक रिजल्ट नहीं देगी, अगर आपको राहु और सूर्य की जो प्लेसमेंट लगन चार्ट में अगर ख़राब है तो। इसकी बात हम आगे करेंगे, पहले हम मंगल की ही बात कर रहे हैं। अब मंगल आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं, और जैसे ही ये यहाँ पर जब तक वे भाव में रहेंगे तब तक आपको थोड़ा सा पैसे को जो है खर्चा ज़्यादा हो सकता है धन का, इसलिए आप सावधान रहें।
जैसे ही ये लगन में आएंगे आपको और ज़्यादा जो है बचत होनी शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा और आप परिवार के साथ एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के भी लॉर्ड रहेंगे मंगल, तो जब तक 12वें भाव में मंगल रहेंगे तब तक आपको कहीं ना कहीं भाग्य का भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपके फादर से भी आपके रिलेशनशिप थोड़ा प्रभावित होंगे। लगन में आने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे मंगल, लेकिन इसके लिए आप अपने लगन चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट जरूर चेक करें। इसके अलावा आप मंगल की डिग्री भी देख लें, अगर मंगल 12 से 18 डिग्री के बीच हैं तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट लगन में आने के बाद देंगे। अब चलते हैं हम थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जो शुक्र, यहाँ पर वैसे तो शुक्र वक्री रहेंगे मिथुन में, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेंगे थर्ड हाउस के ही, तो यहाँ पर आपके काम भाव में शुक्र हैं, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। और शुक्र का मैंने वक्री का अलग से वीडियो बनाया, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको ओवरऑल शुक्र के सारे रिजल्ट्स आपके लगन के लिए पता लग जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, शुक्र वक्री रहेंगे और आपके जो आपका एक काम वासना है जो हमारी, उसमें भी थोड़ा सा आपको परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ आपके अष्टम के लॉर्ड भी हैं शुक्र, तो यहाँ भी आपको कुछ, आपको जो अचानक अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं वैसा कुछ फील हो सकता है। ससुराल वालों से आपके संबंध थोड़े प्रभावित हो सकते हैं और जो अदर पीपल यानी हम विरासत में मिला हुआ धन वगैरह यहाँ से देखते हैं, तो इन सब में थोड़ा सा आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड हाउस में। अब थर्ड हाउस में यहाँ पर राहु, सूर्य और बुध, यानी राहु और सूर्य की जो युति बन रही है ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर आपके राहु और सूर्य बहुत ज़्यादा खराब हैं लगन चार्ट में तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ थोड़ा सा पॉजिटिव आपके लिए ये रहेगा कि बुध जो कि इसी हाउस के लॉर्ड हैं, ये यहाँ पर मिथुन में वक्री हो रहे हैं, यानी मिथुन में रहेंगे 2 अगस्त तक, बट ये करक में वक्री हो रहे हैं, मिथुन में नहीं, 18 जून से करक में वक्री हो रहे हैं, तो आपको रिजल्ट देंगे आपको 4th के ही। अब सबसे बड़ी बात आती है कि राहु भी यहाँ उच्च के हैं और बुध भी यहाँ अपनी स्वराशि के हैं, तो राहु और सूर्य का जो है प्लेसमेंट वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अगर आपके तीनों ग्रह लगन चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं तो अब तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपकी जो मदर हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू इस समय में ज़रूर ये दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस युति के कारण आपको जॉब में हालांकि लाभ ज़रूर मिलेगा, सरकार से भी सहयोग मिलेगा, लेकिन आपका जॉब में बार बार बदलाव होना तय है और आप एक जॉब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको कितने भी पैसे एक जो आपका जहां आप जॉब करते हैं वहां मिल जाएं, पैसे से आपको संतुष्ट नहीं रहेगी, जॉब बार बार चेंज होगा, घर से दूर जॉब हो सकता है, आपको बहुत दूर जाना पड़ सकता है, अदर स्टेट में भी जाना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में फॉरेन के योग इस समय बहुत अच्छे बन रहे हैं तो आपको फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ऐसी कंडीशन में व्यक्ति घर से बहुत लगाव भी रखता है और घर से दूर भी उसको जाना पड़ता है। अब हम सीधा आते हैं 6th हाउस में। 6th के लॉर्ड आपके 4th में हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे सूर्य, और सूर्य 15 जून तक वर्षभ में रहेंगे, आपके 3rd हाउस में रहेंगे। इस समय आपके जो कोई भी मैनेजमेंट का काम मिल सकता है आपको, कोई इस तरह का देख लीजिए, या फिर आपका जो स्किल्स है मैनेजमेंट को लेकर वो बहुत अच्छा रहेगा, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद सूर्य जब 4th में आ जाएंगे तो भी अच्छा रिजल्ट ये देंगे, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रोग से समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी, शत्रुओं से भी आप जो है पराजित नहीं हो पाएंगे, शत्रुओं को आप खुद पराजित कर देंगे। इसके अलावा आपका डेली वर्क रूटीन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, जॉब के मामले में ये समय बहुत अच्छा रहेगा, सरकार से आपको सहयोग मिल सकता है, अगर आप प्राइवेट कुछ जॉब करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, आप घर में अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ देखिए 7th लॉर्ड को। 7th लॉर्ड हम ऑलरेडी यहाँ बुध की चर्चा कर चुके हैं, बट हमने 7th लॉर्ड की चर्चा नहीं करी है। 7th लॉर्ड बुध बन रहे हैं यहाँ पे और ये आपके 4th में है, तो ये आपको अच्छा लाभ यहाँ से देंगे। अगर बिजनेस है आपका तो अच्छा लाभ मिलेगा,
और फोर्थ में होना, सिक्स सेवन्थ लॉर्ड का फोर्थ में होना, ये कहीं ना कहीं आपका जो है पत्नी के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, पति या पत्नी के साथ, अपने घर में ही आप बहुत अच्छे से इस समय इंजॉय कर पाएंगे। राहु और सूर्य की युति से आपको थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आ सकती है रिश्तों में। इसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं, लगभग हमने सभी की बात कर ली है और अब आते हैं इलेवंथ हाउस पर। इलेवंथ हाउस के लॉर्ड जो कि शनि हैं और शनि का गोचर यहीं रहेगा, इलेवंथ हाउस में गुरु के साथ रहेंगे, ये अपनी खुद की राशि में है, तो ये अच्छा लाभ देंगे। इनकी जो लगन प्रदृष्टि है और ये वक्री भी हैं, वक्री होने से थोड़ा सा जो है इनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा आलस भी रहेगा, आलस से का भी आप इस समय में सामना करेंगे। साथ ही साथ यहाँ से आपके पंचम पे दृष्टि है शनि की, तो आपके एजुकेशन को भी ये प्रभावित करेंगे। अगर आप कुछ एजुकेशनल करियर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंजेज आपके आएंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे आएंगे। संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ी बहुत कुछ जो है यहाँ पर जो काम आप करेंगे वो थोड़े स्लो रह सकते हैं। पंचम में शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो पंचम में दृष्टि, यहाँ पे पंचम पे दृष्टि आ रही है, अपनी खुद की राशि में शनि होके यहाँ पंचम पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन शनि अपने रिजल्ट स्लो जरूर देंगे। साथ ही साथ आपके यहाँ पे शनि वक्री हैं, तो आपको बारह विभाव के रिजल्ट ये नहीं देंगे। तो ये थी बात पूरी आपके जून 2020 की। अब इसमें खास क्या है, देखिए खास ये है कि आपको घर से दूर जॉब करना पड़ सकता है, जॉब में बार बार चेंज रह सकता है, जॉब से असंतुष्टि रह सकती है, अपने जहाँ पे आप काम करते हैं अधिकारी जो हैं आपके, आपका जो बॉस है उसके साथ रिश्तों में भी आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मंगल जब तक लगन में रहेंगे तब तक बहुत अच्छा आपके लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, बहुत शानदार सब कुछ यहाँ रहने वाला है और आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी इस महीने के दौरान। कोई ज़्यादा यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब बुध वक्री हो जाएंगे तब थोड़ा सा यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन का गैप नज़र आ सकता है जीवन साथी के साथ, बाकी सब कुछ अच्छा रहने वाला है। तो एंजॉय कीजिए जून 2020 को और बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।